बहुत सी बीमारियों के बारे में पता चला। अच्छा कितने बच्चे कल समोसा खाए थे? कितने बच्चों ने कल समोसा खाया था? किसी के भी पेट में दर्द नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब वो समोसा बनाने वाला बहुत अच्छा था, है ना? उसने समोसे को ढक के रखा था, आलू को धो के बनाया था। लेकिन अगर आप गंदी दुकान से खाते तो, अगर गंदी दुकान से खाते तो हमारे पेट में दर्द होता और हमें बीमारी भी हो जाती। और जब वो बीमारी होती तो हम उसका क्या नाम बोलते? जब वो पेट दर्द होता हमको, हमने कोई गंदी चीज बाहर से खा ली, समोसा खा लिया या हमने इमली लेके खा ली, और इमली को खाते ही मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, उल्टी भी होने लगी और बार बार मुझे बाथरूम जाना पड़ा। मेरे से बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था, चक्कर आने लगे क्योंकि हमने बाजार से गंदी चीज लेके खा ली थी। तो आज जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया था ना कल संक्रामक रोग, तो आप सोच के बताइए ऐसा मैंने क्या कर लिया जो मुझे ये सब हो गया? मेरे शरीर में क्या चला गया? जीवाणु। क्या चले गए? मतलब बैक्टीरिया। हमारे बॉडी में बैक्टीरिया चला गया। और वो बैक्टीरिया कैसे गया? दूषित भोजन। क्या किया मैंने? मैंने दूषित भोजन खा लिया था, मतलब गंदी चीज खा ली और मुझे वो बीमारी हो गई। और वो मैंने आपको जीवाणु इसमें स्लाइड में दिखाए थे कि माइक्रोस्कोप में, या जो मैंने समोसा खाया था उसके अंदर ये था, या मैंने गन्ने का जूस पिया बाजार से लेकर, या फल कटा हुआ खा लिया, उसके अंदर अमीबा था। क्या था? अमीबा हमारे पेट में दर्द करता है, पेचिस करता है और इससे उल्टियां भी हो सकती हैं, क्योंकि यह एक रोग जनित है, मतलब ये रोगाणु है, ये हमारे शरीर को रोग देता है, ये अच्छी चीज नहीं। लेकिन ये एक कोशिकीय है और हमें इस माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों को ये पहली बीमारी जो है वो है हैजा। संक्रामक रोग कौन सा? हैजा। हैजा में क्या हुआ था आपको मालूम है ना? उल्टी, पेचिस, पेट में दर्द, ये सब हैजा से हुआ। इसको किसने फैलाया? दूषित भोजन और जल ने। ये हवा से नहीं फैलता है। जो हैजा है ना, ये देखो जैसे इसको हैजा है और मैं इसके पास में बैठ जाऊं तो मुझे नहीं होगा जब तक मैं इसका जूठा पानी नहीं पी लूं। हाँ, पानी और भोजन दो चीजें खराब होनी चाहिए ना, या दूषित भोजन हो या दूषित जल हो। हवा से कौन सा था? हवा से कौन सी बीमारी थी? जुकाम, खांसी, तपेदिक, टाइफाइड, है ना? सिट डाउन। तो ये हम क्या लिखेंगे? दूषित भोजन एवं जल के द्वारा हैजा फैलता है। और कौन सा रोगाणु का प्रकार है? जीवाणु। और ये बताइए कि दूषित भोजन, जल और क्या चीज थी? मक्खियां, जिसको फैलाने की वजह क्या थी? मच्छर से हैजा। नो, मक्खियां ही तो भोजन को दूषित करती हैं। एक गंदी जगह से बैठ के, कचरे से बैठ के अच्छे भोजन पे बैठ जाती हैं। मिठाई वाला अपनी मिठाई को ढक के रखता है क्योंकि बार बार मक्खी आती है। अगर वो मिठाई वाला जलेबी को ढक के नहीं रखता है और आपने वो जलेबी खा ली तो जरूर बीमार होंगे। तब तो जरूर बीमार होंगे क्योंकि मीठी चीज के ऊपर तो बहुत ज्यादा मक्खी आती है। आजकल तो बारिश की सीजन है ना, तो आजकल तो बहुत ज्यादा मक्खियां आती हैं। हाँ, तो पहली बीमारी किसको याद हो गई बेटा, आप बताओ? हाँ, पहली क्या हैजा किससे फैला था? पढ़ो सब। नहीं, सब नहीं। दूषित भोजन, जल, मक्खियों से। और उस रोगाणु का क्या नाम है जिससे ये बीमारी फैली? जीवाणु। हैजा सबको याद हो गया? अच्छा, अब हम दूसरी एकदम कॉमन, बेटा तुम आ गया हो, एकदम कॉमन बीमारी लेंगे, बिल्कुल इजी, जो हर किसी को है, आज मेरे को भी हो रहा है।
सुबह से मुझे हो रहा था लेकिन अब थोड़ा ठीक हो गया है। उस बीमारी का नाम लिखो जो हम बता रहे हैं। देखो मुझे हो रहा है जुकाम। सोच नहीं सकते हो ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होता है? जुकाम ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, हमको जुकाम निकाल देना चाहिए, है ना? नहीं तो कीटाणु वापस अंदर जा रहे हैं। हाँ जुकाम हुआ, थोड़ा नीचे लिखो यहाँ पे। हाँ बड़ा बड़ा। अब ये बताओ कि जुकाम, मुझे बहुत तेज अगर जुकाम हो रहा है और मैं इसके पास में खड़ी हो जाती हूँ, मैं इससे बातें करने लगती हूँ और मेरे को जोर से छींक आ गई, ठीक है, तो ये मेरे से दूर भागने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी दूर नहीं जा पाई, तो उस छींक ने क्या किया? तो मेरे शरीर में जो जुकाम के जीवाणु थे वो इसके शरीर में और कैसे गए? वायु के द्वारा। कैसे गए? सांस के द्वारा। तो ये बीमारी कैसे फैली? दूषित वायु। लिखो दूषित, संपर्क लिखो, संपर्क। क्या लिखेंगे? कम्युनिकेशन, यही तो होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। हाथ मिलाना, किसी को छूना, किसी के पास बैठ जाना, किसी का जूठा खा लेना, उससे अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वह बीमारी संक्रामक रोग कहलाती है। और जुकाम तो ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी एक दूसरे के द्वारा हो जाता है, संपर्क के द्वारा। और इसके रोगाणु का नाम बताइए। विषाणु। विषाणु भूल गए? विषाणु का हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये रहा देखो विषाणु, ये नीला वाला देखो, नीला वाला, ये वाला विषाणु है, नीला वाला जो ब्लू रंग से बना है वो विषाणु है। हाँ वायरस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस। ये विषाणु है और ये बहुत तेजी से फैलता है। अगर एक घर में किसी एक जने को भी वायरस हो गया, मतलब बीमारी हो गई, तो बहुत सारे घर में मतलब ये बीमारी हो सकती है। इसको हम लोग रोक नहीं पाते हैं। अच्छा क्यों नहीं रोक पाते हैं? क्योंकि ये वायु के द्वारा फैलता है और वायु को नहीं रोका जा सकता। मतलब हम कह दें कि इस कमरे की गंदी हवा बाहर न जाए तो क्या हवा मेरा कहना मानेगी? नहीं मानेगी। भोजन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि समोसा नहीं खाएंगे, कटा हुआ फल नहीं खाएंगे, गंदी चीजें, लेकिन हवा पे हमारा कंट्रोल? थैंक यू बेटा, रखो। हवा किस द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं उनका बचाव अलग तरीके से किया जाता है, वो अभी हम अगले